क्वेश्चन नंबर फोर, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन इन रोज. इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी वन रो लेस. इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी टू रोज मोर. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. बच्चों कहा गया है कि एक क्लास के विद्यार्थियों को मतलब स्टूडेंट्स को रो में खड़ा किया जाता है. यदि एक रो में थ्री एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स लगाएं, जितना लगते हैं उसके अलावा, तो बच्चों कहा जाता है कि एक रो कम हो जाएगी. दूसरे केस में कहा जाता है कि यदि एक रो में से थ्री स्टूडेंट्स लेस कर लिए जाएं, तो उस केस में दो एक्स्ट्रा रो लगती हैं. तो आपको बताना क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, है ना बच्चों. तो यहां जो समझने वाली बात है बच्चों ये कि आप देख पा रहे हैं कि रोज कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं, और ऐसे ही उन रोज में स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा किया जा रहा है या लेस किया जा रहा है. ठीक है ना बेटे. तो हम मानेंगे क्या और शुरुआत कैसे करेंगे भाई. तो यहां रो और रो में बच्चों की जो संख्या है वो फिक्स है, ठीक है ना. तो सबसे पहले हमने क्या माना कि लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स. कुल एक्स रोज लगाई जाती है स्टूडेंट्स की, ठीक है ना. और एक रो में कितने बच्चे हैं वो हमने वाई मान लिया. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू वाई. देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई. ये तो क्लियर हो गया होगा बच्चों को. क्लास में कितने बच्चे हैं एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब बच्चों पहला केस देखें क्या है. केस फर्स्ट, बच्चों कहा गया है कि थ्री स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा लगाए जाएं रोज में, तो एक रो कम हो जाती है. देखिए एक्स्ट्रा कैसे होंगे बच्चों, ये वाई था बच्चों, एक रो में स्टूडेंट्स की संख्या है तो ये हो जाएगा वाई प्लस थ्री. ठीक है, कहा गया बच्चों कि रो में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या थ्री एक्स्ट्रा कर लें, तो उस केस में रो एक लेस हो जाती है. तो पहले एक्स थी, अब एक्स माइनस वन हो जाएगी. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो क्या मिलेगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. लेकिन ये तो हम पहले से बता कर चुके हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. यहां आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास वो चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है. ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, रोज चेंज हो रही है और उसमें जो बच्चे खड़े हैं वो कम ज्यादा हो रहे हैं. ठीक है ना. तो पहला केस ये बच्चों की यदि एक रो में हम थ्री एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स लगाते हैं, तो उस केस में एक रो कम हो जाती है. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मिलेगा, जो कि हम पहले पता कर चुके हैं. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एम्प्लाइज थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री. ये बच्चों पहली क्वेश्चन क्लियर है सभी को. इसी प्रकार से बच्चों सेकेंड केस में कहा जाता है कि यदि हम थ्री स्टूडेंट्स लेस कर लें रोज में से, तो दो एक्स्ट्रा रो लगती हैं. ठीक है ना बच्चों. तो पहले वाई थे और ये हमने थ्री स्टूडेंट्स कम कर लिए, ठीक है ना, रो में से थ्री स्टूडेंट्स कम कर लिए. ओके, तो स्टूडेंट्स सॉरी नंबर ऑफ रोज दो अधिक हो जाते हैं, मतलब टू मोर हो जाते हैं. पहले एक्स है तो अब ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. लेकिन तो हम पहले पता कर चुके एक्स वाई, तो इसे एक्स वाई के इक्वल कर लीजिए. समझ पा रहे बच्चों यहां क्या कहा गया है. कहा गया है कि रोज में से थ्री स्टूडेंट्स लेस कर लिए जाएं, तो दो एक्स्ट्रा रो लगती हैं. पहले कितने बच्चों स्टूडेंट्स थे एक रो में, थ्री सॉरी वाई, और वाई में से थ्री लेस कर लेंगे, वाई माइनस थ्री एक्स दिखाया जाएगा. तो रोज कितनी बच्चों हमारे पास है, ये टू एक्स्ट्रा हो जाती है, तो एक्स प्लस टू. इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ये मिलेगा. लेकिन बच्चों हमें पहले से पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना है बच्चों, एक्स वाई, तो उसे एक्स वाई के इक्वल कर लेंगे. इनको इक्वल कर लिया, आप सॉल्व करेंगे और इक्वेशन मिलेगी वाई एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. वाई की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों, तो वाई एक्स फिर टू वाई माइनस थ्री एक्स और माइनस सिक्स. सॉरी बच्चों यहां एक्स वाई आएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर लीजिए, आप इसे ऐसे ले सकते हैं, एम्प्लाइज माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई, इसे सीधा कर लिया बच्चों, माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स. ये दूसरी इक्वेशन. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन. आप देख पा रहे हैं एक्स के कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एडिंग, क्योंकि बच्चे जिसे एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके साइन डिफरेंट है, तो 3x से 3x कैंसिल, y इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू पता करने के लिए y की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे 9। पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, तो बच्चों 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12 बाय 3 4, तो x की वैल्यू 4 मिल गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास तब मिलेगा जब हम x और y की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9, मतलब 4 और 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स वाई, या कह सकते हैं यहां 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36, और ये आपका आंसर बच्चों।